मैं जो ऐसा कहता हूँ तुम संविदा अधिकों के लिए जुटो, मैं यज्ञ संपन्न करूंगा। शरिया के ने जैसा दामाद ने कहा वैसा बहुत बड़ा यज्ञ रचा। यज्ञ में आहुतियों के बारे में सब संपन्नता आरंभ हो गई। यज्ञ की जब आहुतियाँ उस समय उस आखिरी में देवताएं इंद्र के देवता आकर सोमपाल को यज्ञ के बाद में स्वयं आकर लिया करते थे, तो चवन महर्षि ने इन अश्विनी कुमारों को भी बुलाया और कहा कि तुम भी आ जाओ। अश्विनी कुमार आए, जैसा ही सोमपान देवताओं को देते गए, इंद्र देवता देते गए, उन्होंने अश्विनी कुमारों को भी देने आया तो इंद्र ने कहा अगर तू अश्विनी कुमारों को, मैंने मनाया ये देवताओं के चिकित्सक है, इनको सोमपान के अधिकारी नहीं है, इनको नहीं देना चाहिए, अगर तू दिया तो मैं तुझे भस्म कर डालूंगा, तुझे खत्म कर डालूंगा, ऐसे चवन महर्षि को कहा। और चवन महर्षि ने कहा मैंने इनको वचन दिया है कि मैं इन्हें सोमपान देकर ही रहूंगा, आपको जो करना है करो। बात बहुत चली और इंद्र भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर वज्र का प्रहार करता हूं। चवन महर्षि ने कहा कि मैं उस जगह बैठा हूं जहां पशुपतिनाथ रोज अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और मैंने उनकी घोर तपस्या सांप के बिलमर रहकर की है, हे इंद्र तू मेरे साथ इस प्रकार की बात न करना। और उन्होंने उस समय तपस्या के माध्यम से एक मोह नाम की एक कुत्या को कुत्या की सृष्टि की और उस मोह से मद नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस बाहर आया। उसके कहते हैं कि उसके ओठ पृथ्वी को, उसका मुंह अगर जबड़ा निकालता है तो ओठ नीचे का ओठ पृथ्वी को और ऊपर का ओठ आकाश को लगता था, ऐसी कृत्या उन्होंने की। और इंद्र के वज्र को उन्होंने एक ही हाथ में पकड़ लिया तो सब लोग देवता सब ऋषि मुनि वहाँ बैठे थे सब लोग घबरा गए। चवन महर्षि ने यह क्या किया, ऐसी कृत्या की सृष्टि की जिस कृत्या के सामने कोई कुछ कहने कहने के लिए तैयार नहीं, देवता सब भाग के खड़े हो गए। फिर सभी ने मिलकर कहा कि ये कार्य तुम अगर सोमपान करने का अधिकार नहीं देते हो तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। तब उन्होंने सभी ने मिलकर कहा, देवताओं के गुरु बृहस्पति की प्रार्थना की और कहा कि इस समस्या को सुलझाओ। तब बृहस्पति आए और इंद्र को कहा कि तुम क्या समझ रहे हो चवन महर्षि को, उन्होंने जिस कृत्या को जिस अघोर कृत्या को सृष्टि किया है इस संसार में वो जब तक रहेगा उसको कोई नहीं हरा सकते और तुम्हें इसको हराने के लिए तुम उनके साथ समझौता कर लो। और इंद्र को कहा कि तुम चवन महर्षि से क्षमा मांगो और कहो कि इस कृत्या का कृत्या को समाप्त कर दो, इस कृत्या का शक्ति को समाप्त कर दो। तब वो आकर चवन महर्षि को इंद्र भगवान ने क्षमा मांगी और कहा कि मैं इन अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाता हूँ, आप इस कृत्या को पीछे ले लो। तब चवन महर्षि ने कहा ठीक है। और हमने जब उस अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाया तो वो सब जितने भी लोग जितने भी देवताएं थे सब शांत हो गए और सभी लोगों ने तालियों के साथ कहा कि चवन महर्षि महान है, चवन महर्षि ने इतना बड़ा कार्य किया। और उन्होंने उस कृत्या को कहा कि तू इस संसार में धर्म के विरुद्ध काम करने वाले जुआ खेलने वाले वेश्या स्त्रियाँ रजस्त्रियाँ जो रजस्वला होती है उनके पास तू चले जाना और उनको धर्म विरुद्ध कार्य करने में रोकना। इस प्रकार उस कृत्या को बांध दिया और उन्होंने कहा कि तू ऐसे शांत हो जा। वो कृत्या शांत हुई और चवन महर्षि ने उस कृत्या को शांत करते हुए सोमपान का अधिकार अश्विनी कुमारों को भी लगा। मैं ये कहानी आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि वह घटना भी यहीं की घटना है और शरिया के यहाँ का चंपारण्य जो है वहाँ यहीं चवन महर्षि तपस्या संपन्न किए थे और इस संगम पर उनने जब उस अस्त्र को प्राप्त किया, उस कृत्या को प्राप्त किया, वह कृत्या का स्थान भी यही था। आज वह होली की रात्रि है। जिस अघोर मंत्र को उन्होंने करते हुए, घोर का मतलब होता है अपने को अकल्पित घटना घटने वाले को, अरे घोर बहुत घोर घटना हो गई ऐसा कहते हैं, घोर घटना हो गई नहीं, हमें कल्पना भी नहीं थी कि वो एक्सीडेंट हो गया, उसे घोर घटना कहते हैं। लेकिन अघोर का मतलब होता है घटना का अर्थ जानकर उसको रोकने की क्रिया को अघोर कहा गया है, उस घटना को रोक देना, उस होने को रोक देने को अघोर कहा गया है। इस अघोर रूपि के जानने वाले कि ऐसी घटना होने को रोकने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो केवल अघोर रुद्र यही जानते हैं कि इस शक्ति को किस प्रकार किया जाए और यह ज्ञान चवन महर्षि को था। कहते हैं कि उन्होंने देवताओं को राक्षसों को ही इस अघोर वृत्ति के कारण जो हम वो कहते थे उसको साधना वो सिद्ध कर देते थे और देवता भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, राक्षसों की मानव की तो बात ही अलग थी, उनका कुछ नहीं कर सकते थे। तब इस साधना के लिए जब एक बार गुरुजी ने अपनी एक विशेष डायरी में इसको लिखते हुए लिखा था कि ये एक साधना है जोशी, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं, तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी उस डायरी, क्योंकि आज राजीव लोचन या राजीव के पास मैं आया हूँ और मुझे उस साधना का थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूर है और गुरुजी ने उसके साधना का विधान बताया था। गुरुजी ने कहा था कि पंच भस्म, श्मशान भस्म, पंच पल्लवों का भस्म, यज्ञ का भस्म,
बिलो का भस्म और इस प्रकार पांचों प्रकार के भस्म लेकर तो एक शिवलिंग तैयार किया जाए जिसे अघोरेश्वर कहा गया है। उस शिवलिंग के सामने अघोर एक अघोर मंत्र है, उसको 11 बिलो मंत्र और एक रुद्राक्ष चढ़ाकर जो मनुष्य 11 बार उस मंत्र का आज पाठ करता है उसके जीवन में किसी प्रकार की तंत्र बाधा हो ही नहीं सकती और वह संसार में उसके घर में या उस शिवलिंग की स्थापना हो जाए, उसके ऊपर भस्म रखा जाए तो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। कुबेर उसके घर में आकर काम करने लगता है, उसके घर में दरिद्रता का वास नहीं होता, उसके घर में किसी प्रकार का तंत्र बाधा नहीं होती और रोगों से पीड़ित जो लोग हैं उसके ऊपर भस्म लगाकर अगर वो भस्म अपने को धारण करते हैं तो उसको उस रोग का निवारण हो जाता है। ये अघोर तंत्र है और इस शिवलिंग की जो स्थापना अपने घर में करते हुए आज होली की रात्रि को इस तंत्र को जो इस नदी संगम पर संपन्न करते हैं उनके घर में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। जिनको जिसके घर में विवाह नहीं हो रहा है किसी तंत्र बाधा के कारण, जिसके घर में उसके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, जिसको साधनाएं सफल नहीं, साधना करते समय अड़चने आती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उसके घर में विवाह नहीं होते, विवाह हो जाता है तो टूट जाता है, पत्नी छोड़कर चली जाती है, पति का सुख नहीं मिलता, पति पत्नी का सुख, ये सारे अगर वो समझते हैं कि किसी तंत्र के कारण, ग्रहों की बाधाओं के कारण हुआ हो या किसी तंत्र बाधा के कारण हुआ हो या किसी देवता के श्राप के कारण, मुनियों के श्राप के कारण, अपने माता पिता के श्राप के कारण या किसी बड़ों के श्राप के कारण अपने घर में ये सभी ये सारे पितृदोष के कारण जूझ रहा है, तो अगर ये शिवलिंग की आज होली की रात्रि को केवल रखकर 11 बिलो पत्र चढ़ाकर उसके ऊपर एक रुद्राक्ष या रुद्राक्ष माला उस शिवलिंग पर चढ़ाकर उस मंत्र का 11 बार मंत्र पाठ करता है और उस शिवलिंग को अपने घर में स्थापना करते हुए वो अगर अगले होली तक इस शिवलिंग को अपने घर में रखकर उसके बाद में उसे नदी में विसर्जन करता है तो उसके जीवन भर में कभी किसी प्रकार का तंत्र उसके ऊपर काम नहीं करता, ऐसा अघोर तंत्र में कहा गया है। उस विशेष साधना को मैं आज चाहता हूँ कि आप सभी के हाथों से संपन्न करूँ। मैं उन शिवलिंगों को तैयार करने में मुझे 5 दिन लगे गत 5 दिनों से और मेरे लिए मैंने तैयार करने कल एक ही दिन में मैंने तैयार किया क्योंकि उस तरह का भस्म भी निर्माण करना था, उस भस्मों से जिस शिवलिंग को निर्माण करना था उस शिवलिंग को निर्माण किया। आज के दिन रात्रि में जो साधक अपने जीवन में इस तरह की अड़चने, मेरे को साधना सिद्ध नहीं हो रही है, साधना सफल नहीं हो रही है, मेरे घर में बहुत दरिद्रता है, मेरे घर में ये नहीं होता, ऐसा जो समझने वाले जितने भी साधक हैं, अपने आप को असफल समझने वाले, अपने आप को सारी बाधाओं से जूझने वाले साधक समझते हैं, जरूर उस इस शिवलिंग की साधना को अगर आपके जीवन में आप संपन्न करते हैं, इस शिवलिंग को केवल 11 बार उस अघोर मंत्र को रात में करना है, 10 से 12 या 1 बजे के बीच में उस शिवलिंग को स्थापना करनी है, उसके ऊपर 11 बिलो पत्र चढ़ाने हैं और रुद्राक्ष माला या रुद्राक्ष को अर्पण करते हुए उस मंत्र को 11 बार पढ़ना है। यह उन लोगों के लिए हुई जो लोग, जैसे मैंने आपको बताया, उस च्यवन महर्षि ने इसी तंत्र से इसी से शिवजी को प्रत्यक्ष करते हुए उस इंद्र जैसे देवताओं को भी हरा दिया था जिसने क्षमा मांगी थी। बाकी मामूली लोगों की तो बात ही क्या, आप ये बात रखो जो ये साधना संपन्न करता है उसके सामने बड़ा बड़ा आदमी भी गड़गिड़ाता है, चाहे वो कैसा भी शत्रु हो, चाहे वो कैसा भी कैसे भी दीनता हो, कैसी भी दरिद्रता हो, उसके सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो इस साधना को आज होली की रात्रि में जो संपन्न करेंगे वो अपने जीवन को पूर्ण उज्ज्वल बनाएंगे और अपने घर में उस शिवलिंग की स्थापना करेंगे जो 5 भस्मों से तैयार की गई है, उसको उसके ऊपर भस्म बिलुपत्र और एक रुद्राक्ष चढ़ाकर केवल 11 बार उस मंत्र का पाठ करना है। ये होते हुए भी आज एक विशेष साधना स्त्रियों के लिए भी बोल रहा हूँ, जो साधना सुकन्या जैसी की थी हमने देखा है, वो मैं बहुत सारे लोगों के मेरा पति पिता है गुरु जी बहुत कष्ट पहुँचाता है, अगर वृद्ध पति होने के बाद भी अगर वो ये कहता है उसको सेवा अगर पत्नी करते हुए उसने वो सब साथ दिया, उसको इंद्र ने भी साथ दिया, तो आपकी क्या बात है, आप तो इन सारी चीज़ों को लेकर ही चलेंगे। आपको मैं कहता हूँ कि जो उस श्रीयंत्र को स्थापना करते हुए वांछा कल्पलता नाम के इस एक मंत्र को श्रीयंत्र के ऊपर फूल चढ़ाते हुए अगर 108 बार उस मंत्र और उस श्रीयंत्र को अपने घर में स्थापन करते हैं तो उन स्त्रियों के घर में उसके पति के पति का सुख प्राप्त होता है, पुत्र का सुख प्राप्त होता है, सास ससुर का सुख होता है, घर में सब सुख शांति ही प्राप्त होती है। ऐसी साधना जिसे वांछा के रूपता साधना कहा गया है और वो होली के दिन ही करना है। आज के दिन जिसने ये साधना संपन्न की वो अपने जीवन में किसी प्रकार की उसकी कमी अनुभव नहीं करेगी। ऐसी यह 2 साधनाएँ मैं आज इस राज्य में जहाँ स्वयं देवताओं ने इस साधना को संपन्न किया था ऐसी साधनाएँ आपको दे रहा हूँ। और छोटी सी साधनाएँ, बहुत बड़ी साधनाएँ भी नहीं है। जो साधक इच्छुक है वो साधक रात के 10 बजे के बाद इन साधनाओं को यहीं आरंभ करें। मैं भी आपके साथ साधना में बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैं हर साल वीर साधना और अघोर साधना हर रात्रि होली की रात्रि को संपन्न करता हूँ। मैं आप सभी को
परम पूज्य सद्गुरुदेव की देव जी की ओर से आशीर्वाद देता हूँ, कहता हूँ कि आप अगर अपने जीवन में किसी प्रकार की बाधा अनुभव करते हैं तो निश्चित रूप से साधना करो, और मैं वचन देता हूँ कि अगले साल तक तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मैं फिर राज्यों को नहीं आऊंगा, और हुआ तो जरूर आप बुलाएंगे, मैं आऊंगा, ये मेरा आपको कथन है। आपकी सारी तंत्र बाधाएं निवारण होगी जो इस साधना को संपन्न करेंगे। एक बार जय घोष करेंगे, बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। दस बजे के बाद इस साधना को संपन्न करनी है। यहाँ के आयोजकों से निवेदन है कि जो भी इस साधक में इच्छुक है वो लोग उस शिवलिंग और उसको ला लें। मैं यहाँ साधना का विधान पहले उसको मृत्युंजय और सद्योजातादि मंत्र से उनको आपके सामने ही प्राण प्रतिष्ठा और रुद्राक्ष करवाऊंगा, बाद में आप मंत्र जप कर सकते हैं। 10 बजे के बाद जो लोग ला लेते हैं उनको 10-15 मिनट का समय देता हूँ, आप शिवलिंग ला लो, आपको साधना संपन्न करवाऊंगा। जो स्त्री चाहती है वो लोग स्त्री यंत्र ला लो, उनको भी साधनाएं।